प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सामाजिक सरोकार को प्रमुखता देने के लिए शुरू किए स्वच्छता अभियान का सीधा प्रसारण। इंद्री के गढ़ी बीरबल में विधायक एवं राज्य मंत्री करणदेव कंबोज ने गाँव में लोगों के बीच देखा। करणदेव कंबोज ने लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूक करने के लिए इस अभियान को महाअभियान बनाने की अपील की और करीब 2 घंटे तक चले प्रधानमंत्री के इस लाइव कार्यक्रम को देखने के बाद मंत्री जी ने समाज सेवियों के साथ मिलकर गांव में स्वच्छता श्रमदान किया। इस श्रमदान में ग्रामीणों सहित स्कूल के विद्यार्थियों व शिक्षकों ने भी हिस्सा लिया। पत्रकारों से बात करते हुए राज्य मंत्री करणदेव कंबोज ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी न केवल राजनीतिक कार्य करने में यकीन रखती है बल्कि समाज के उत्थान में भी कई कार्यक्रम चला रही है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी समाज का संपूर्ण उत्थान चाहती है। इसलिए भाजपा ने सत्ता में आने के बाद बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ व स्वच्छता अभियान शुरू किए। हमने गढ़ी बीरबल के अंदर ये कार्यक्रम किया है और गढ़ी बीरबल का ये स्कूल जो सीनियर सेकेंडरी स्कूल है, इसमें भी बच्चों ने आज स्वच्छता अभियान और साथ के साथ बच्चों ने आपस में जो है ना कुछ कंपटीशन, कविताएं कंपटीशन और अन्य प्रकार के कुछ निबंध के ऊपर इस प्रकार के जो है ना उन्होंने आज कार्यक्रम भी किए हैं और स्वच्छता का जो कार्यक्रम भी उन्होंने चलाया है। तो आज हम सभी कार्यकर्ताओं ने मिलकर के गाँव वालों के साथ मिलकर के जो ये एक सामाजिक कार्यक्रम है स्वच्छता अभियान, इसको और तेज करने के लिए हमने आज गाँव के लोगों से आह्वान भी किया है। ये भी आह्वान किया है कि गाँव के लोग जिस प्रकार से गाँव में बढ़ते ही सड़क के दोनों किनारों पर कूड़ा करकट डाल देते हैं, कुर्डिया डाल देते हैं, जिसकी वजह से मक्खी मच्छर पैदा होते हैं, कीटाणु पैदा होते हैं, कीड़े पैदा होते हैं, तो इस प्रकार का काम कोई ना करे और गाँव के सभी लोग बैठ कर के निर्णय करें कि हमने अपने गाँव को साफ सुथरा करना है, स्वच्छ करना है। तो ये सब गाँव के लोग बैठ कर के निर्णय लें कि कोई भी व्यक्ति अगर इस प्रकार का काम करता है तो उसको रोकें, उसको समझाएं और उसको कोई उचित स्थान दे दें ताकि वो अपना कूड़ा करकट, जिसके पास जगह नहीं है, वो उचित स्थान पर अपना कूड़ा करकट डाल करके और अपने गाँव को साफ़ सुथरा करने में एक अहम योग रोल जो है ना हम सब का रहे। तो इसके लिए भी हमने गाँव के लोगों से आह्वान किया है। उन्होंने कहा कि इन दोनों ही अभियानों से समाज के लोगों में जागृति आई है। आज लोगों को स्वच्छता का महत्व समझ में आने लगा है, लेकिन स्वच्छता के प्रति और भी जागरूकता फैलाने की आवश्यकता है।